जिस तरह से अगर ये मीडिया, जिस तरह से आपने कहा, हम अगर हम भुखमरी की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा आसाम में बाढ़ आ गई या बिहार में बाढ़ आ गई, या हर तरह हम हर साल ही बिहार में, हम हर जगह पूरे देश में बाढ़ आती रहती है। मुंबई में भी हम देखते हैं हर साल, कोई भी ऐसा साल अब तक नहीं गया है कि जब भी मुंबई में बारिश की वजह से परेशानियां ना हों। अगर हम वाटर शुरुआत में ही मीडिया इन चीजों के ऊपर फोकस करे और इस पर डिबेट करे, तो मैं समझता हूं जो एजेंसीज हैं काम करने वाली, वो अकाउंटेबल होंगी। क्योंकि अगर मीडिया चीजों को पहले ही उठाएगा, मुद्दों को पहले ही उठाएगा, तो मैं समझता हूं वो जल्दी अकाउंटेबल होंगे और काम बेहतर तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? देखिए, मीडिया ने अपनी खुद की जो अहमियत है उसको बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया है। ये इस तरह की बकवास पेशाब करने जा रहे हैं टाइप की हेडलाइंस बना के, उसने अपनी खुद की इम्पोर्टेंस, अपनी खुद की अहमियत को बिल्कुल डाइल्यूट कर लिया है। तो ये मीडिया को भी थोड़ा चिंतन करना होगा। अभी इतने लोग बोल रहे हैं कि मीडिया में ब्लड बाथ हो गया, सो मेनी पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, ये वो। इसकी वजह ही है, आपने उसको बिजनेस की तरह रन कर दिया। अब बिजनेस की तरह रन कर दिया तो वो क्लिक बेट और व्यूअरशिप और टीआरपी इस पे पूरी तरह निर्भर हो गई एक चीज। तो फिर आप बस एक कॉग इन द मशीन है, आप खुद ही रिप्लेस हो जाएंगे जब इस तरह के कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं यही मानती हूँ और मुझे लगता है कि देखिए, जब तक अच्छे पत्रकार हैं तब तब तक हमें सच पता चलता रहेगा। पत्रकारिता की मौत होना, और इंडिया प्रेस फ्रीडम्स में अभी बहुत नीचे आ चुका है। पत्रकार जो हैं, अगर पत्रकारों को ही हम अटैक करेंगे तो हम सच कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या हो रहा है। वही तो हमें बताते हैं कि यहाँ पे पानी भर गया है, या ये वाला पेपर लीक हो गया है, या यहाँ पे अस्पतालों में सिर्फ 30 ICU के बेड्स अवेलेबल हैं। इस तरह की बातें पत्रकार ही तो हमें बताते हैं। अगर पत्रकार नहीं बिल्कुल रहेंगे तो फिर आगे क्या आपका? और अभी ये नया ट्रेंड चला है कि जिसकी बात से आप सहमत नहीं है उसको आप बस गाली दे दें। तो ये बहुत बुजदिली का सबूत है। जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। डॉक्टर रेणुका कह रहे हैं, ऋचा जी, द बेस्ट परफॉर्मेंस विच आई लव वॉज योर वर्क इन लव सोनिया। प्लीज टेल अस अबाउट योर अपकमिंग मूवीज एंड ड्रीम रोल, इफ एनी। डॉक्टर रेणुका गौतम, देखिए अभी आने वाली फिल्में जो रिलीज हैं उसमें मैडम चीफ मिनिस्टर हैं और शकीला, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब होने तो वाली थी वो जून और जुलाई में रिलीज, पर लॉकडाउन के कारण नहीं हुई। इसके अलावा इनसाइड एड सीजन 3 है और एक दो नए प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू भी होंगे शूटिंग में, जब भी शूटिंग अलाउ होगी हमारी इंडस्ट्री में। तो फिलहाल तो यही है, अभी देखिए जब जब सबकी फिल्में रिलीज होंगी तब हमारी भी हो जाएंगी। जी, और एक राज भाटिया साहब हैं, ये लिख रहे हैं, मीडिया मीडिया हैज नो मीडियम फॉर रीजन बेस्ट नोन, सो व्हाट एवर एल्स अर्न टीआरपी ऑन्स टीआरपी दे कीप्स क्लियरिंग। देखिए जी जी, ये जी अपनी जी ओपिनियन दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ना, ऑडियंस भी अब बेवकूफ नहीं है, ऑडियंस को सब समझ में आ रहा है कि क्या क्या चल रहा है। तो वो बिल्कुल उसी टाइम बता देते हैं सोशल मीडिया पे कि आप ये झूठ बोल रहे हैं या ये गलत है। और कई बार फेक न्यूज बताई जाती है, उसको फैक्ट चेक किया जाता है। तो ये एक ट्रेंड है जो बहुत डिस्टर्बिंग है, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी आपकी तरह रिस्पॉन्सिबल हो जाए। बस और क्या कर सकते हैं। जी,